वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अर्थ स्पीक्स। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि स्क्रीन गार्ड या टेम्पर्ड ग्लास किस तरह से निकालते हैं। कई बार क्या होता है कि हम लोग अपने मोबाइल में सेफ्टी के लिए टेम्पर ग्लास लगाते हैं और एक दो बार गिरने के बाद टेम्पर ग्लास हमारा क्रैक हो जाता है। जैसे कि इस मोबाइल में देखिए आप, साइड में यहाँ से थोड़ा सा क्रैक हो गया है और टॉप में यहाँ पर दो तीन लाइंस यहाँ पर इसमें स्क्रैचेस आ रखे हैं, टूटे हुए हैं। इसको किस तरह से बदलना है दोस्तों, मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले आपसे एक गुजारिश, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको नई नई जानकारी दे सकूँ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके पास पुराने डेबिट कार्ड्स या क्रेडिट कार्ड्स पड़े होंगे, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दो कार्ड्स ले लीजिए और जहाँ से ये टूटा हुआ है कोशिश कीजिए वहाँ पर धीरे से एक साइड में इंसर्ट करके और उठा दीजिए। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे बहुत आसानी से इसको निकाल सकते हैं अपने आप। इसको आपने बहुत प्रेशर नहीं देना है, हल्के से आप आगे बढ़ते जाएंगे तो अपने आप निकलना शुरू हो जाएगा। जैसे आप देख पा रहे हैं इसका एरिया बढ़ता जा रहा है। और बदलना इसलिए ज़रूरी ताकि आगे से आपका स्क्रीन सेफ रहे। अगर आप टूटा लगा रहने देंगे तो नेक्स्ट कभी गिरता है फ़ोन तो पूरे चांसेस हैं कि स्क्रीन आपका डैमेज हो जाए। इसलिए डैमेज टेम्पर ग्लास को बदल दीजिए। थोड़ा सा समय लगाइए इसमें, कोई बहुत ज्यादा प्रेशर देने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे आप इसको आगे खिसकाइए, बहुत ही आसान है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं धीरे धीरे अपना सरफेस छोड़ता जा रहा है। जैसे ही स्पेस मिलता जाए धीरे धीरे इसको नीचे इंसर्ट करते जाइए। ऑलमोस्ट 70-75% ये देखिए सरफेस छोड़ दिया इसने। बस ध्यान यही रखना है कि आपने प्रेशर नहीं देना है, बहुत धीरे धीरे इसको हल्के हल्के आगे बढ़ाते रहिए। जैसे जैसे स्पेस आता जाएगा आप देख पा रहे होंगे पूरा देखिए आपका बिल्कुल आसानी से अलग हो गया। ये हमारा टेम्पर ग्लास क्रैक था, आप देख पा रहे हैं। मैं आपको और क्लोजली दिखा देता हूं कितनी जगह से क्रैक हो चुका था। ये कितना इजीली ये निकल गया। ये तरीका था टेम्पर ग्लास निकालने का। अब इसके ऊपर किस तरह से लगाना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। टेम्पर ग्लास आप परचेज करते हैं तो उसके साथ वाइप्स आते हैं। सबसे पहले तो आप इसको एक टॉवल से स्क्रीन को अच्छे से साफ कर लीजिए। कोई भी डस्ट पार्टिकल ना रहे इसमें। साफ कर लिया। इसके बाद टेम्पर ग्लास मैंने मंगवा रखा है,
टेम्पल ग्रास के साथ इसमें दो वाइप्स होते हैं, नंबर वन एंड नंबर टू। पहला वाला वेट वाइप होता है। सबसे पहले तो आप अपना टेम्पल ग्लास को देख लीजिए, इसमें फिट इन हो रहा है कि नहीं। मैं पहले इसको देख लेता हूँ। देखिए बिल्कुल मेरे फ़ोन के हिसाब से बिल्कुल फिट है, मतलब ये ओके है। इसमें प्रोसेस में आगे बढ़ सकता हूँ। उसके बाद आप नंबर वन का वाइप लीजिए, वेट वाइप, और उसको खोलिए। और इस वेट वाइप से बहुत अच्छे तरीके से फोन के स्क्रीन को पोंछ लीजिए। अगर और कोई डस्ट पार्टिकल या और कोई गंदगी होगी वो उससे निकल जाएगी। ये देखिए मैंने पोंछ लिया। अब इसको रखा एक तरफ। टेम्पर ग्लास ये ले लेते हैं। फोन के स्क्रीन को अच्छी तरह पोंछने के बाद आप टेम्पर ग्लास खोल लीजिए। और इसमें देखिए ये एक पेपर का ये लगा हुआ है, इसको देखिए किस तरफ से निकल रहा है। इस तरफ से निकल जाएगा, मतलब ये हमको इस तरह से लगाना है। इसको निकालेंगे, एक साइड से निकालना है और फोन में इस तरह फिट करना है कि अच्छे से यहाँ पर लग जाए। तो चारों तरफ से देख लीजिए कैसे लगाना है और इसको निकाल लीजिए। ये मैंने पूरा निकाल दिया और फोन के ऊपर अच्छी तरीके से एक बार एक तरफ से लगा के लॉक कर लीजिए। लगने के बाद ही लॉक हो जाएगा और उसको छोड़ दीजिए, ये अपने आप सेट हो जाएगा। आपने कोई प्रेशर देने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। और अच्छी तरह सेट हो गया तो उसके बाद आप सेकंड वाइप निकालिए और वाइप निकाल कर इसको ऊपर से हल्का सा प्रेशर देके चारों तरफ से दबा दीजिए। अगर कोई, वैसे तो एयर बबल है नहीं, लेकिन अगर कहीं होगा तो इससे निकल जाएगा। तो देखिए आपने देखा कितना आसान है आपका प्रोटेक्शन ग्लास को निकालना और वापस नया इंस्टॉल कर देना। आप इसके लिए बाजार जाते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप मेरे वीडियो को देखेंगे तो आप घर में ही अपने फ़ोन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, टेम्पर ग्लास लगा भी सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। ये देखिए लग गया। तो उम्मीद है मुझे फ्रेंड्स कि आपको मेरा ये वीडियो बिल्कुल हेल्पफुल रहेगा और आपको पसंद भी आएगा। पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और देखते रहिए मेरा चैनल अर्थ स्पीक्स। जब भी कुछ नया आएगा मैं आपके लिए लाता रहूँगा। आज का वीडियो यहीं तक, अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।